8 दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार सावित्री नदी की उफनती लहरों में लापता हुई दोनों बसों के बारे में पता चल गया। नेवल टीम ने इन दोनों बसों के मलबे को ढूंढ निकालने में कामयाबी पाई है। रायगढ़ के एसपी संजय पाटिल के मुताबिक बसों के मलबे दुर्घटना वाली जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिले हैं। फिलहाल क्रेन की मदद से मलबे को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। हादसा तब हुआ था जब मुंबई गोवा हाईवे पर बना एक पुराना पुल सावित्री नदी में आई भयंकर बाढ़ की चपेट में आकर बह गया था। पुल के साथ हाईवे पर जा रही दो बसें भी तेज धार की चपेट में आकर नदी में समा गई थीं। सर्च टीम ने बाद में 26 शवों को नदी से ढूंढ निकाला था, लेकिन अब भी 42 लोग लापता हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर सावित्री नदी पर आने जाने के लिए दो पुल हैं। दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण 1928 में अंग्रेजों ने कराया था। पुल की लंबाई 154.7 मीटर और चौड़ाई 11.1 मीटर थी। इसी पुल के बगल में साल 2000 में एक नया पुल बनाया गया था। सैलाब में पुराना पुल बह गया। 8 दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन में नदी में मौजूद मगरमच्छों के कारण परेशानी भी आई। दरअसल 2005 में आई बाढ़ में सावित्री नदी में मगरमच्छ आ गए थे, तभी से ये मगरमच्छ सावित्री नदी में ही रहने लगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मगरमच्छ हमला न करते इसलिए डेटोनेटर गन का इस्तेमाल किया गया। डेटोनेटर फायर करने पर बड़ी आवाज होती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता और मगरमच्छ सर्च वाली जगह से दूर चले जाते हैं। यह पुल क्यों तबाह हो गया, इसे लेकर पड़ताल की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि गैरकानूनी माइनिंग के कारण पुल ढह गया। नदी में होने वाली गैरकानूनी माइनिंग से पुल की नींव कमजोर हो गई थी और सैलाब के तेज धार में ये बह गया। गैरकानूनी माइनिंग की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि मई 2016 में पुल की जाँच की गई थी और फिर मरम्मत कर इसे यातायात के लिए दुरुस्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते आई तेज बारिश की चपेट में आकर ये पुल तबाह हो गया और अपने साथ साथ दो बसों को भी नदी में समा गया। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।